आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आपको पता है भारत को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत के लगभग हर घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट मिल ही जाता है। और अब तो हाल ऐसा है कि जहां पहले बुजुर्गों को खाने पीने में सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती थी, अब ये सलाह बच्चों को दी जाने लगी है। इसकी वजह है बच्चों में बढ़ता प्री डायबिटिक सिम्टम्स, यानी डायबिटीज के पहले वाला जो स्टेज होता है उसे प्री डायबिटीज कहते हैं। ICMR की स्टडी के मुताबिक पिछले 4 सालों में देश के अंदर डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या 44% बढ़ी है। यही नहीं, डायबिटीज और प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज से पहले वाली स्टेज, इनके मरीज इस वक्त देश में 23 करोड़ से ज्यादा हैं। अब आप खुद सोच लीजिए डायबिटीज किस रेट से देश में बढ़ रहा है। तो आज हम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे कुछ ऐसी ही गलतियों की जिनकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही जानेंगे इससे बचने के तरीके। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर, मैं हूँ खुशबू कुमार। अभी कुछ महीने पहले ही लैंसेट की भी एक रिसर्च आई थी। रिसर्च के मुताबिक भारत में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। द लैंसेट डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी में पब्लिश हुई इस रिसर्च को भारत के हर राज्य को व्यापक रूप से कवर करने वाली पहली रिसर्च मानी जा रही है, जिसमें देश पर असंक्रामक रोगों के बोझ का आकलन किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान था कि भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित होंगे और लगभग 2.5 करोड़ प्री डायबिटीज की स्थिति में होंगे। अगर आप प्री डायबिटीज की सिचुएशन में है तो हमारी आबादी में डायबिटीज होने की जो दर है वो बेहद ज्यादा है। प्री डायबिटीज की स्थिति में होने वाले 60% लोगों को अगले 5 सालों में ये बीमारी हो ही जाती है। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोर्टिस हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन की डायरेक्टर और डायबिटिशियन डॉक्टर फराह एंगले जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर फराह आपका आज तक रेडियो पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। तो डॉक्टर फरहा, अभी हाल फिलहाल के दिनों में डायबिटीज से जुड़ी कई सारी खबरें आई। लैंसेट की ही एक रिसर्च आई कि 2050 तक जो है वो 1.31 बिलियन पीपल जो है वो डायबिटीज से पीड़ित होंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से डायबिटीज के ऊपर एक पॉडकास्ट किया जाए, तो हमें उसी पर बातचीत करनी है। आपका बहुत सही सोच है। एक्चुअली डायबिटीज ऑलरेडी एक महामारी है जो दुनिया भर में फैली हुई है, और इंडिया कुछ दिन तक डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड था, जिसकी प्लेस अभी चाइना ने लिया है। बट बोल नहीं सकते हम कभी भी डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं, और ये कोई ऐसे प्राउड होने वाली चीज नहीं है, ये चिंताजनक इश्यू है। अभी पहले कैसा रहता था, बीमारी 40-50 के बाद में प्रॉब्लम्स होते थे, आजकल यही प्रॉब्लम्स 20 या इवन 15-20 के उम्र से होने लगे, स्पेशली अगर डायबिटीज को आप लेते हैं तो। इसीलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, और हमको पहले से ही पेशेंट्स को, इवन स्कूल गोइंग बच्चों को भी स्क्रीन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे स्कूल एज में प्री डायबिटिक डिटेक्ट हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा अपना एजुकेशन पेशेंट्स को देना है, जनरल पब्लिक को स्क्रीनिंग बढ़ानी है, टेस्टिंग करना है, उसके हिसाब से उन्हें नॉलेज देना है, एजुकेट करना है, प्रिवेंटिव स्टेप्स बताना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। ऑलरेडी हो चुकी है और 2030 में और भी ज्यादा होगी। जी डॉक्टर फराह, और आपने अपनी बातचीत में जिस पर ज़्यादा कंसर्न जताया वो है स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं वो डायबिटीज़ के शिकार हो रहे हैं। तो बच्चों में ये प्री डायबिटीज़ जो है वो क्यों बढ़ रहे हैं, उससे जुड़ी क्या कंसर्न्स हैं? हाँ, अब बच्चों में प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल्स चेंज हो गए हैं। आजकल ज़्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, तो ज़्यादा फास्ट फूड के तरफ जा रहे हैं। पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग होने के वजह से बच्चों पे इतना ज्यादा पर्सनल ध्यान नहीं दे सकते हैं, उसके वजह से बच्चों को लिबर्टी मिलती है, बाहर से ऑर्डर करते हैं पिज्जाज, बर्गर्स, पास्टास, फ्राइड फूड्स, फास्ट फूड, जो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। दूसरा, एक्टिविटी इतनी नहीं रही है पहले जैसी, क्योंकि अभी दूसरे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। बच्चे ज्यादा करके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर पे बैठे बैठे ही सब करते हैं,
फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना या बाहर जाके खेलना, ये कुछ नहीं रहा है आजकल। दूसरा पीयर प्रेशर, स्कूल में भी टीचर्स चाहते कि बच्चे अच्छा करे, पेरेंट्स चाहते कि बच्चे अच्छा करे, कंपटीशन बढ़ गया है जिसके वजह से बच्चे भी स्ट्रेस में आते हैं। और तीसरा चौथी बात है कि जब पेरेंट्स को डायबिटीज रहता है तो टाइप वन तो इनहेरिटेड रहता है, टाइप टू में भी 50% रहता है, जेनेटिक एलिमेंट रहता है इन सब के वजह से। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग स्क्रीनिंग आजकल कर रहे हैं, स्क्रीनिंग करने से भी नए नए केसेस डिटेक्ट होते हैं। बच्चों का भी हम जब स्क्रीन करते तो काफी केसेस सामने हमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसके वजह से डिटेक्शन रेट बढ़ गया है। ये सब कारण हो सकते हैं कि बच्चों में डायबिटीज हो रहा है, क्योंकि एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रेस है और खाना पीना बराबर नहीं है। ठीक है, एक बार कॉम्प्लिकेशंस पर डॉक्टर फराह मैं बात करना चाहती हूँ। प्री डायबिटीज जो है उसके किस तरह के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और आप ये भी समझाते हुए थोड़ा सा इजली हमने शुरू में ये इस पर चर्चा नहीं की कि प्री डायबिटीज एक्चुअली लेमैन की भाषा में क्या कहते हैं, वो भी बताते हुए आप उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता दें। प्री डायबिटीज यानी जब आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता है लेकिन इतना भी हाई नहीं रहता है कि जिसे डायबिटीज कहा जाए, ये डायबिटीज की पहली स्टेज है। इसमें कैसा रहता है, जैसा अगर आप HbA1c एक टेस्ट है जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, अगर आपका HbA1c 5.7 के नीचे है तो आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक नहीं है। अगर आपका HbA1c 5.7 टू 6.4 के बीच में है उसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं, और 6.5 के ऊपर डायबिटिक रहता है। तो प्री डायबिटीज में भी हमको लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है, डाइट, एक्टिविटी, स्ट्रेस कम करना, वेट कंट्रोल में रखना, उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, तो आपका प्रोग्रेशन फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक डिले कर सकते हैं। इसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं जबकि जब HbA1c 5.7 टू 6.4 के बीच में है। अब डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम है, एक तो वो आपके शरीर के कोई भी भाग को अफेक्ट कर सकती है फ्रॉम हेड टू टो, जैसे कि स्ट्रोक्स, अगर ब्रेन से हम स्टार्ट करें तो स्ट्रोक्स या पैरालिसिस, लेमैन टर्म में स्ट्रोक्स का इंसिडेंस 7 times मोर कॉमन है डायबिटिक्स में जहां शुगर्स कंट्रोल में नहीं है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स। पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा आंखों पे डायरेक्ट असर होता है जब शुगर्स बढ़ती है, तो उसमें आपको ग्लॉकोमा हो सकता है, प्रीमैच्योर कैटरेक्स हो सकते हैं, और बहुत सारे रेटाइनल डिटैचमेंट सडनली हो सकता है। फिर हार्ट अटैक्स भी 2 times मोर कॉमन इन डायबिटिक्स व्हेन इट इज नॉट अंडर कंट्रोल कंपेयर टू नॉन डायबिटिक्स, और वो भी बिना सिम्टम्स के, इन्हें समझता ही नहीं और डायरेक्ट हार्ट अटैक हो जाता है, कोई वार्निंग साइंस और सिम्टम्स नहीं रहते पेशेंट्स में। फिर किडनी फेलियर हो सकता है, नसों पे इफेक्ट होता है, उसे पेरिफेरल न्यूरोपैथीज कहते हैं, आर्टरीज आपके अफेक्ट हो सकते हैं, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज कहते हैं, पैर के सेंसेशंस कम हो जाते हैं, आपको अगर वूंड हो गया, ट्रॉमा हो गया, मार लग गया, जख्म हो गया तो वो हील नहीं होता है, 50% लोगों के पैर काटने पड़ते हैं डायबिटीज के वजह से जब वो अनकंट्रोल्ड रहता है। सो 50% ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक एम्पिटेशंस आर बिकॉज ऑफ डायबिटीज। स्किन इन्फेक्शंस होते हैं वो हील नहीं होते हैं जल्दी अगर शुगर्स कंट्रोल में नहीं है तो। इनफैक्ट 2/3 पेशेंट्स हमारे पास स्किन क्लिनिक से आते हैं जब उनके स्किन के प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होते और शुगर्स चेक करते हैं तो उनके शुगर की लेवल ज्यादा आती है। सो और फिर इवन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बाद में जाके ब्लड प्रेशर भी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते, कोई भी सिस्टम अफेक्ट हो सकता है। डायबिटिक फुट हो जाता है अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेंगी तो, कैलोसिस, फिर बाद में कैलोसिटीज, कॉर्न्स, डायबिटिक फुट उसका शेप चेंज हो जाता है, आगे जाके पैर एम्प्यूट करना पड़ता है, इन्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसे हम एक्चुअली प्रिवेंट कर सकते हैं शुगर्स और लाइफस्टाइल चेंज अपना करके, इन्हें शुगर्स कंट्रोल में रख के, खाना पीना सही रख के, एक्सरसाइज या एक्टिविटी करके, प्रॉपर फुटवेयर यूज करके, फुट एग्जामिनेशन करके, रेगुलर टेस्टिंग करके, ये काफी हद तक हम कंट्रोल में रख के कॉम्प्लिकेशंस से बच सकते हैं डायबिटीज के। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर टाइम देना पड़ेगा,
और ये सब चेंजेस अपने लाइफ में करने पड़ेंगे अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए तो। और मैं जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने एक जगह ये पाया कि जो प्री डायबिटीज के मरीज हैं, अगर वो कुछ चीज़ों पर ध्यान दें, अपने खान पान से रिलेटेड हो चाहे अपने वजन से रिलेटेड हो, तो वो प्री डायबिटीज को डायबिटीज में बदलने से 60% तक उसे रोक सकते हैं। तो वो कौन से लाइफस्टाइल में बदलाव, अगर आप थोड़ा सा और इसको मतलब इलाबोरेट कर पाएं कि क्या किया जाना चाहिए ताकि आप प्री डायबिटीज हैं तो डायबिटीज में वो आप ना बदलें। हाँ, नहीं वही कि प्री डायबिटिक पेशेंट्स की तादाद या पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है, उसमें से 80% लोगों को तो मालूम भी नहीं रहता है कि उन्हें डायबिटीज है। अब जिन लोगों को मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसकी लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, खाना पीना बराबर नहीं है, स्ट्रेस है, जिसकी नींद बराबर नहीं हो रही है, या जिसका वेट ज्यादा है, ओवरवेट है या ओबेस है, उन लोगों में डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा है। तो इससे बचने के लिए, या ऑलरेडी अगर आप प्री डायबिटिक डायग्नोज हो चुके हैं तो आप कभी भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, डायबिटिक बन सकते हैं अगर आपका लाइफस्टाइल आप चेंज नहीं करेंगे तो। अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं फॉर गुड तो प्रोग्रेशन आपका डीले होता है। उसमें एक आता है कि वेट, यस, आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से रहना चाहिए। सपोज आपकी हाइट है 160 सेंटीमीटर, तो मेल या पुरुष के लिए वेट रहना चाहिए 60 and 100 माइनस वेट, हाइट इन सेंटीमीटर्स माइनस जो वेट रहता है उनका आइडियल वेट रहना चाहिए, ठीक है। 100 अगर 160 सेंटीमीटर है तो 60 वेट रहना चाहिए, लेडीज में 1-2 किलो कम रहना चाहिए। तो आप एम करना चाहिए आइडियल वेट के लिए। और अगर आपका वेट ज्यादा है, आप ओवरवेट है, ओबेस है, आप अगर 5-7% भी अगर वेट कम करते हैं तो उसके बेनिफिट्स मिलते हैं आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दूसरे फिटनेस में भी। दूसरा है कि खाना पीना सही रहना चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए। लेकिन अगर बैलेंस्ड डाइट किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट भी जरूरी है बट सैचुरेटेड फैट नहीं चाहिए, विटामिन्स और मिनरल्स। लेकिन जब शुगर आपको डिटेक्ट होती है या प्री डायबिटिक डिटेक्ट होते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े कम करने पड़ते हैं डाइट में से। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट जिससे शुगर एकदम बढ़ती है वो अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि शुगर्स है, फ्रूट जूसेस भी ज्यादा नहीं चलते, कैंडीज है, चॉकलेट्स है, केक्स है, कुकीज है, एक तो वो मैदे के भी बने रहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स और उसमें शुगर काफी रहती है, ये सब प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा है कि फिर आपको ज्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना चाहिए, फ्रूट्स जो हेल्थी फ्रूट्स है वो यूज करें जिसमें ज्यादा शुगर की कंटेंट रहती है, जैसे बनानास है, मैंगोज है, चीकू है, कस्टर्ड एप्पल है, ग्रेप्स है, वो अवॉइड करें। हर फ्रूट में थोड़ी शुगर की मात्रा रहती है तो आप फ्रूट्स को लिमिटेड अमाउंट में ले, 100 grams तक का फ्रूट अलाउड है और फ्रूट जूसेस अलाउड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स या एरेटेड कोल्ड ड्रिंक्स भी, वो तो एम्प्टी कैलोरीज रहते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। फैटी फूड अवॉइड करना है, ज्यादा नॉन वेज स्पेशली रेड मीट अवॉइड करें। हेल्दी फूड में रोटी विदाउट ऑयल एंड घी लेंगे तो प्रेफरेबल रहेगा, हरी सब्जी, दाल, वो बैलेंस्ड डाइट है, कर्ड्स ले सकते विदाउट शुगर। नॉन वेज में लीन मीट्स जो बोलते हैं हम, जैसे कि चिकन है, फिश है, वो ले सकते हैं बट फ्राइड नहीं, एग में एग वाइट्स प्रेफरेबल है। बट बच्चे हैं तो योग भी लेना पड़ता है, वो भी जरूरी है बट बहुत ज्यादा नहीं। ये सब चीजों का ध्यान रखें, फिर बाहर जाके खेले, फिजिकल एक्टिविटी करें कम से कम आधा घंटा हर रोज या 150 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एवरी वीक, वो करना जरूरी है। अब बच्चों की बात छोड़ के बड़ों का अगर देखते तो स्ट्रेस अगर है तो फिर आप थोड़ा सा मेंटल रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा से भी काफी फर्क, अगर सही तरीके से योगा करते हैं तो उससे भी थोड़ा सा आपको मेंटल और फिजिकली रिलैक्स लगता है। ये सब चीजें आप अपना सकते हैं तो इससे आप आपके प्रॉब्लम्स काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं, प्रोग्रेशन को डीले कर सकते हैं। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा लाइफस्टाइल चेंजेस पे, और नींद भी बराबर से होना चाहिए, स्लीप हाइजीन इम्पोर्टेंट है।
अगर आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो नींद होना चाहिए। उम्र के हिसाब से थोड़ी नींद कम होती है तो कम से कम 6 से 7 घंटे होना चाहिए पीसफुल अनइंटरप्टेड स्लीप। आप छोटे बच्चे तो और ज्यादा सोना चाहिए क्योंकि नींद में अपनी बॉडी ग्रो करती है और रिजुविनेट होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप हील करती है बॉडी। तो ये सब चीजों का इम्पोर्टेंस है, उसे फॉलो करेंगे तो आप कंट्रोल में रख सकते हैं अपने आप को काफी हद तक और प्रोग्रेशन को डिले कर सकते हैं। जी डॉक्टर फराह, आजकल चीट डे जो है उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ट्रेंडी है, जैसे 5 से 6 दिन आप अच्छे से कुछ चीज़ों को परहेज करते हैं और 7वें दिन कुछ भी खा लेते हैं, ये चीट डे जो है, ये आदत जो है वो कितनी बुरी है, खास करके जब इस तरह की प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के जो खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं। चीट डे के कंसेप्ट को मैं बिल्कुल फेवर नहीं करती हूँ, उसे डिस्करेज करूंगी मैं, ये अच्छी आदत नहीं है। आप अभी 7 दिन में से 6 दिन मेहनत करके 7वें दिन कुछ भी खा के उस पे आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं, ये ऐसा नहीं है। अभी आपको उसके लिए खुद को समझना चाहिए कि डाइट का क्या इम्पोर्टेंस है और वो जो डाइट है आपका वो सस्टेन रहना चाहिए। थोड़ा सा चीट कर सकते हैं पर इतना भी नहीं कि आपका सब कुछ भी खा लो और एकदम शुगर बढ़ जाए, जो फ्लक्चुएशंस रहता है तो अच्छा नहीं रहता है। ऊपर नीचे शुगर्स होना, ग्लाइसेमिक वेरिएबिलिटी अफेक्ट होती है, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चीट डे के लिए मैं आई एम नॉट फॉर चीट डे। आप सस्टेन्ड एक्टिविटी रखो, आपका सस्टेन्ड डाइट कंट्रोल करो, कैलोरी काउंटिंग करो, कितना एक्टिविटी है उसके हिसाब से आप खाओ पियो, क्योंकि एक तो अब जब हॉलीडे रहता है तो आपकी एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है, रिलैक्स करते और ऊपर से आप ज्यादा खा लेंगे तो फिर मतलब नहीं रहा, 6 दिन का जो मेहनत है आपका उस पे भी पानी फिर जाता है। थोड़ा बहुत वेरिएबिलिटी रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग भी अलाउ करते हैं क्योंकि मोनोटोनस कुछ भी चीज होगी तो कोई फॉलो करेगा नहीं उसको, और हमको फ्लेक्सिबिलिटी देना है ताकि पेशेंट स्टिक अप रह सके डाइट प्लान पे अपने। बट ऐसा भी नहीं कि कुछ भी खा लो, ऐसा नहीं चलता है, देख के खाना है, राइट क्वांटिटी, राइट टाइम और क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइमिंग, एक्टिविटी सब मैटर करता है। इन सब से आपकी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे आप और शुगर लेवल्स मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, और ये जो शुगर लेवल्स है उस पर हम मतलब कैसे चेक कर सकते हैं, रेगुलर चेक कर सकते हैं प्री डायबिटीज वाले लोग ही, और दूसरा ये कि कौन से वो कंसर्निंग और वार्निंग सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से प्री डायबिटीज पेशेंट्स को थोड़ा सा अलर्ट मोड पर आ जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको HbA1c के बारे में बताई हूँ, अगर आपका HbA1c 5.7 के नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक है, प्री डायबिटिक भी नहीं है। लेकिन अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो बीच बीच में कम से कम साल में एक बार आप HbA1c कर लेना चाहिए। दूसरा, फास्टिंग शुगर लेवल और पोस्ट लंच शुगर्स जो हम करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में, अगर आपकी फास्टिंग लेवल 110 के ऊपर है और पोस्ट लंच ब्लड शुगर 140 के ऊपर है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो आपको अगर ये सब है तो आपको रेगुलर चेकअप करते रहना चाहिए अपने डॉक्टर से और फिर वापस डाइट की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, आपको लाइफस्टाइल की तरफ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली सबको सब सिम्टम्स रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो हम बोलते हैं सिम्टम्स रहते हैं, एक तो बार बार यूरिन को जाना, रात में भी उठना पड़ता है, 3 बार से ज्यादा अगर उठना पड़ता है तो वो एबनॉर्मल रहता है, हाई शुगर होने की वजह से होता है। फिर दूसरा, आपको बार बार प्यास लगती है। हम जो 3 कार्डिनल पीज जो बोलते हैं डायबिटीज के, पी पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया यानी बार बार यूरिन को जाना पड़ता है, पॉलीफेजिया यानी बहुत भूख लगती है और बहुत प्यास भी लगती है। ये 3 चीजें, ज्यादा खाया जाता है और ज्यादा खाने के बाद भी वेट लॉस होता है, थकान लगती है, चिड़चिड़पना होता है, स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग स्किन क्लिनिक से आते हैं और वेट लॉस, वीकनेस, लिथार्जिक फीलिंग, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आना बराबर से और यूरिन के प्रॉब्लम्स, ये सब हो सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन हुआ तो जल्दी ठीक नहीं होता है, अभी खांसी चल रही है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है, बार बार यूरिन के इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्किन के इन्फेक्शन, वूंड्स ठीक नहीं हो रहे हैं,
तो ये सब पॉइंट करता है कि इनको डायबिटीज हो सकता है। और जब हम चेक करते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स के शुगर लेवल ज्यादा आती है और वो करेक्ट करने के बाद पेशेंट्स रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो यूजुअली ये सब रहते हैं। बट सबको सब सिम्टम्स रहना भी जरूरी नहीं है। विदाउट एनी वार्निंग सिम्टम्स एंड साइंस काफी पेशेंट्स के शुगर्स जब हम रेगुलरली करते हैं चेक हेल्थ चेकअप में, तो बहुत सारे पेशेंट्स के निकलते हैं उनको कोई सिम्टम्स और साइंस ही नहीं रहते। इसलिए हेल्थ चेकअप का भी इम्पोर्टेंस है। एक बार में साल में एक बार आप हेल्थ चेकअप करो, स्पेशली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है कोई प्रॉब्लम्स की, डायबिटीज की, दूसरे प्रॉब्लम्स की, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। तो आप हेल्थ चेकअप कर लो, बहुत सारे पेशेंट्स उसमें डिटेक्ट होते हैं, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उनको गाइड करके ट्रीट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरा हमसे बातचीत करने के लिए। ओके, थैंक यू। धरती चौकोर नहीं, गोल है। बरमूडा ट्रायंगल में कुछ तो झोल है। ब्लू स्काई में समंदर का रोल है। आपको पता है कोहिनूर का क्या मोल है? मोटी किताबें मत उठाइए, गूगल भी मत चलाइए, बस आज तक रेडियो पर ज्ञान ध्यान लगाइए। हर वेंसडे से संडे रोज लगेगी क्लास एप्पल पॉडकास्ट, विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई, जियो सावन और गूगल पॉडकास्ट पर।